तो दोस्तों फाइनली रियलमी ने जो है अपने रियलमी के दो स्मार्टफोन को मार्च 2020 का सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रियलमी एक्स टी और रियलमी 5 प्रो को जो है लेटेस्ट मार्च का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ किया गया है। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के अगर हम अपडेट की बात करें तो रियलमी एक्स टी का जो अपडेट का जो वर्जन है वो RMX 1921EX11C.03 है, और इसके अलावा Realme 5 Pro के जो अपडेट के वर्जन की बात करें तो RMX 1971EX11C.02 है। दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मार्च 2020 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में गेम के ऑडियो इफेक्ट्स को जो है ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन के बोट एनिमेशन डिस्प्ले प्रोबेबिलिटी एरर को जो है फिक्स किया गया है। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको कुछ इश्यूज और एरर्स वगैरह जो है देखने को मिले थे तो उस बग्स को भी जो है इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा जो इसकी मेमोरी की लो प्रोबेबिलिटी स्टक इशू को भी जो है फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा जो है आपको जो इसमें फोटोज एंड स्क्रीनशॉट लेते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्प्ले नहीं हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम को भी जो है इन दोनों ही स्मार्टफोन में इस अपडेट में जो है फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही अपडेट्स की जानकारी जो है रियलमी ने ऑफिशियल फॉरम पर भी दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से भी आप इस अपडेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के साथ इन दोनों ही स्मार्टफोन में ये अपडेट जो है रिलीज किए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें सिक्योरिटी पैच भी दिया गया है। दोस्तों मैं को बता दूं कि ये अपडेट फिलहाल पैचेस के रूम में रिलीज किया गया इन दोनों ही स्मार्टफोन, यानी कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में कुछ ही यूजर्स को ये अपडेट मिला होगा, कुछ को अभी नहीं मिला होगा। तो दोस्तों आपको भी जो है इन दोनों ही स्मार्टफोन में सेटिंग में जाकर अबाउट सेक्शन में जाकर जो है इस अपडेट को चेक कर लेना चाहिए अगर आप भी रियलमी एक्स टी या फिर रियलमी 5 प्रो यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये अपडेट मिला तो फटाफट से आप भी इस अपडेट को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे कि अगर आपके भी Realme XT या फिर Realme 5 Pro स्मार्टफोन में काफ़ी सारे बग्स आपको देखने को मिल रहे थे और प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर एरर्स आ रहे थे, तो इस अपडेट में आपकी सारे प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स कर दिया गया है। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो कुछ दिन का वेट कीजिए, आपको भी ये अपडेट जो है जल्दी अपने स्मार्टफोन में रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और वहीं सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भी ऐसे अपडेट्स के लिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।